रहा ना ब्रदर। तो देखिए मैं बैग भूल गया था भाई साहब की गाड़ी में, और ये भाई साहब शुरुआती कुछ एडवेंचरस भरी हो रही है। पहले दिन ही टॉयलेट नहीं मिलने वाला। यस 20 सोमानी की नोट। सारा एक्चुअली नॉनवेज है यार, लग रहा है सारे पैसेंजर आ गए। और बिना सिम कार्ड और इंटरनेट के मैं फाइनली खुजान मनी मनी जो मोहतरमा है रिसेप्शन पे, उनको इंग्लिश नहीं आती, वो सिर्फ ताजिक बोल पाती हैं, और उन्होंने कैमरे में आने से मना कर दिया। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। मैं हूँ अंस, और अभी मैं हूँ यार उज्बेकिस्तान कंट्री के कैपिटल ताशकंद शहर में। सो आज फाइनली एक नया दिन और एक नया एडवेंचर मैं शुरू करने जा रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं यार। अब ऐसा इसलिए क्योंकि गाइज फाइनली मैं अपने सेंट्रल एशिया की तीसरी कंट्री कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान को ट्रैवल करने के बाद ताजिकिस्तान और उसका सेकेंड लार्जेस्ट सिटी खुजान, जो कि नॉर्थन मोस्ट पार्ट ऑफ ताजिकिस्तान बोला जाता है, वहाँ के लिए ट्रैवल करने वाला हूँ। यहाँ से ताशकंद से खुजान का जो डिस्टेंस है अराउंड 160 किलोमीटर के आसपास है, तो मैं लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग करने वाला हूँ। और यहाँ से बसेस वगैरह भी चलती हैं जो डायरेक्ट उज्बेकिस्तान के ताशकंद से ताजिकिस्तान के खुजान शहर तक के लिए आप जा सकते हो। तो मुझे एक्चुअली अभी कुछ आइडिया है नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ से जो बॉर्डर है ना, जिस बॉर्डर को मैं यूज़ करूँगा वो 100 किलोमीटर के आसपास है, तो मैं हिच हाइकिंग करने वाला हूँ। तो उसके लिए पहले मुझे इस ताशकंद शहर से यार सिटी सेंटर के बाहर निकलना होगा, यानी मेन हाईवे पे। तो हाईवे भी काफ़ी दूर है, तो मैं सोच रहा हूँ पहले मैं मेट्रो यूज़ करूँगा। अब मेट्रो के लिए भी मुझे यार सबसे पहले जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ ना, यहाँ से अराउंड 2 किलोमीटर तो वॉक करना पड़ता है। तो मैं इस बस स्टैंड पे एक्चुअली आ गया हूँ, तो इनमें से किसी एक बस को लेके मैं सोच रहा हूँ मैं मेट्रो तक पहुँचता हूँ। यार बस के अंदर तो मैं आ गया हूँ, सोचे यहाँ से आई थिंक अराउंड 2 किलोमीटर के आसपास जो इनका मेट्रो है ना, बुयुक इपाकयोली करके, वहाँ से मैं मेट्रो लूँगा। सो गाइस ये है बुयुक इपाकयोली मेट्रो स्टेशन। तो अब यहाँ से मेरे को मेट्रो की टिकट लेनी होगी, और फिर यहाँ से हम बाईपास पे निकलेंगे। दो मेट्रो चेंज किया हूँ, बुयुक इपाकयोली से मैं आया एक्चुअली अलीसर नोवई, और अलीसर नोवई से वापस से मैंने चेंज किया दोस्तलिक के लिए। तभी दोस्तलिक 2 से मैं जा रहा हूँ दोस्तलिक 7। शुरुआती कुछ एडवेंचरस भरी हो रही है ऐसा मुझे लग रहा है। तो मुझे जाना था बेकात 7, मैं बेकात 6 पे उतर गया हूँ, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर की वजह से मुझे वो समझ में आया नहीं कि मुझे 7 पे उतरना है या 6 पे उतरना है। और सबसे एक ख़राब चीज़ ये है ना यहाँ पे, जो अभी तक निगेटिव मैंने नोटिस की, कि इनके किसी भी मेट्रो स्टेशन पे आपको पब्लिक टॉयलेट नहीं मिलने वाला। तो मुझे टॉयलेट को यूज़ करना था, तो अभी ये कोई फैक्ट्री दिखी बाजू में, तो वहाँ पे जाके मैंने रिक्वेस्ट किया उन भाई साहब से, उन्होंने बोला कि ठीक है आप यूज़ कर लो। और अब दिक्कत ये है यार ना, कि पहले तो ऑलमोस्ट आई थिंक 1.5 किलोमीटर तक मैं वॉक करूँगा, तब जाके जो इंटरलिंक वाला रोड है ना वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। और एक चीज़ और आपको बतानी थी, मैं इस बार ये ट्रॉली बैग को लेकर ट्रैवल कर रहा हूँ। तो ट्रॉली बैग एक तरफ तो ये काफ़ी यूज़फुल है कि इतना लगेज आपको बैक पैक पर नहीं लादना पड़ेगा, बट इसका निगेटिव साइड ये है कि आपको वीडियो में आवाज़ आ रही होगी, तो व्लॉगिंग वगैरह करने में ये थोड़ा सा दिक्कत करता है यार। ये भाई साहब हैं जिन्होंने यस योर नेम नामा अंश, यू माय नेम इज अंश, यू मी कमलदीन यू आई उज्बेकिस्तान ना। शुक्राना। तो ये कमलदीन भाई हैं यार, जो कि मुझे आई थिंक बेकात 7 के बाईपास तक ड्रॉप करेंगे। तो ये पहली लिफ्ट मुझे आज के दिन की मिली हुई है। तो यार आपने गाइज वीडियो देखा होगा लास्ट का, कि मैं एक्चुअली उमा भाई के साथ अरल सी तक गया हुआ था, फिर अरल सी से मैं आया खीवा, और खीवा से ताशकंद। तो ताशकंद वैसे मुझे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ताजिकिस्तान का जो कैपिटल है दुशांबे, वहाँ पे जाने के लिए ना समरकंद से काफ़ी नियर बाई पड़ता है। बट मैं आया हूँ एक्चुअली ताशकंद में अपनी अपकमिंग कंट्रीज़ के वीज़ा के लिए, तो वो वीज़ा मुझे मिल चुका है, और आने वाले वीडियोस में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एक्चुअली कि मैं किस कंट्री जा रहा हूँ। ब्लॉगर थी या मी ट्रैवल ब्लॉगर, यूट्यूबर ब्लॉगर, यूट्यूब ए यू राश मी मी उज्बेकिस्तान। ओ माशाल्लाह, माशाल्लाह, गुड गुड, वेरी नाइस। अल बुखारी, ओ मी समरकंद, बुखारा, खीवा, नुकुस, बिरूनी, उर्गेस, बुंगुरुत, मुनिया, फिनिश। Ben televizyonu çıkarasın mı? Oh, yes, çıkarayım. Ne? Taksi Uzbekistan. Maşallah, nice. Maşallah. तो यार ये पहले भाई साहब हैं जिन्होंने मेरी मदद की, और ये अंकल भी पीछे बैठे थे जो कि इनका है। तो दोनों लोग, मैंने इनको बोला कि मैं बाईपास तक जाना है मुझे, तो इनको अभी डाउट हो रहा था कि मैं जाऊंगा कहाँ पे, तो देखते हैं यार।
धूप काफी ज्यादा है, प्यास भी लग रही है, डिहाइड्रेशन भी हो रहा है, बट लेट्स सी। यार वो जो बंदे थे ना कार में जिन्होंने मुझे लिफ्ट दिया हुआ था पहला, उन्होंने मुझे बाईपास पे उतारा और उस बाईपास से थोड़ा सा मैं सिर्फ वॉक किया हूँ तभी ये मोहम्मद भाई मुझे मिल गए। और ये यार एक्चुअली अजरबैजान से हैं, बाकू। बात ये मुझे देखे इशारों में इन्होंने खुद से गाड़ी रोकी और बोला कि आप आके बैठो। तो अभी इन्होंने बोला कि ठीक है आपको जहाँ भी जाना है आप लोकेशन मुझे बता दो, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। मैं बार बार इनसे कंफर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप वाकई उसी रूट पे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो बॉर्डर में लेने वाला हूँ ओएबेक बोलते हैं उसको, ऑलमोस्ट 85 किलोमीटर यहाँ से अभी भी दिखा रहा है यार। तो लेट्स सी ये कहाँ तक मुझे ड्रॉप करने वाले हैं। पुराना ब्रदर रहमत सो मच। सो यू लिव इन हियर इन ताशकंद? यू लिव इन हियर? यू हैव फैमिली? यू फैमिली हियर? I live in Tashkent. Okay. 15 years. 15 years? Yes. Oh my God. But your home is in Azerbaijan, Baku. Okay. So you come and you go. I born Baku. Okay. No, but live Tashkent. Tashkent. So ye hai hisab kitab. So you are single or you are married? Single. You single? Yes, single. Single. मुझे भी नहीं समझ आ रहा ये कहाँ तक जाएंगे, बट गाड़ी में तो बैठ गया हूँ फिलहाल, क्योंकि बाहर इतनी गर्मी ना पसीना काफी ज्यादा हो रहा है यार। फाइनली मैं आपका ऑफिशियली वेलकम करता हूँ गाइस, रिपब्लिक ऑफ ताजिकिस्तान, जो कि मेरी सेंट्रल एशिया की तीसरी कंट्री है, और सक्सेसफुली मैं लैंड बॉर्डर क्रॉस कर लिया हूँ। इमिग्रेशन और कस्टम का यार उज्बेकिस्तान साइड का ना काफ़ी लेंदी प्रोसेस रहा यार। एक घंटे तक मैं फंसा रहा सिर्फ इस बात को लेकर कि मेरे पास रजिस्ट्रेशन स्लिप कहाँ है। मेरे पास कई जगह पे जहाँ जहाँ पे मैंने हॉस्टल और गेस्ट हाउस में मैं रुका हुआ था ना गाइज, वहाँ पे यार रजिस्ट्रेशन स्लिप को मैं रखा हुआ था, उनको दिखाया। बट लास्ट के कई दिनों से जब मैं और उमा भाई हम लोग हिच हाइकिंग वगैरह कर रहे थे, तो कई जगह हम लोकल फैमिली के यहाँ पे रुके, एक दो जगह मैंने काउच सर्फिंग की, तो लास्ट में इमिग्रेशन ऑफिसर बार जो इमिग्रेशन ऑफिसर उज्बेकिस्तान के साइड थे, वो हर दिन का भाई रजिस्ट्रेशन स्लिप मुझसे मांग रहे थे। एक दो लोगों से मैंने बात की, फ्रेंड से, उमा से भी मैंने बात की थी, उन्होंने बोला यार उनसे नहीं मांगा गया। तो कई बार ऐसा होता है गाइज कि डिपेंड करता है इमिग्रेशन ऑफिसर के मूड पे, आपका लक अच्छा हुआ तो आपसे नहीं मांगेंगे, बट मुझसे तो मांग लिया। फिलहाल काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन किया, फिर उन्होंने प्रूफ मांगा कि आप कैसे गए, कहाँ कैंपिंग किए, किसके यहाँ रुके, फ़ोटो दिखाओ, वीडियो दिखाओ। तो मैंने अपने मोबाइल में मेरे जो कुछ फ़ोटोज़ थे अरल सी तक के वो मैंने दिखाया, फिर जाके इमिग्रेशन ऑफिसर को बिलीव हुआ और फाइनली मेरे पासपोर्ट पे उज्बेकिस्तान का एग्जिट स्टैम्प होता है। फिर आता हूँ यार बाजू में ही ताजिकिस्तान का एंट्री, वहाँ पे उन्होंने सिर्फ नहीं मांगा, तो ताजिकिस्तान साइड भी ई वीज़ा मेरे पास जो था उसका उन्होंने प्रिंट कॉपी मांगा, क्योंकि उस पर भी आई थिंक ये स्टैम्प करते हैं, बट मैंने बोला मेरे पास तो है नहीं, तो उन्होंने सिर्फ मेरे पासपोर्ट पे मार दिया है। उसके लिए भी मुझे टेंशन हो रही थी कहीं लास्ट मोमेंट पे ये ना हो कि एग्जिट के टाइम पे वो मुझे परेशान करे, तो मैंने काफ़ी पूछा। फिलहाल कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा, सिर्फ उन्होंने मुझसे मेरा वीज़ा मांगा, तो वीज़ा मैंने फ़ोन पे ही दिखा दिया। तो इस तरह से गाइज मैं सक्सेसफुली तीसरी कंट्री सेंट्रल एशिया के मैं एंटर कर चुका हूँ। तो ताजिकिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है इस सेंट्रल एशियन कंट्री के रीजन में अगर आप देखोगे, तो अभी बॉर्डर से मुझे यार ट्रांसपोर्ट लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। हर कोई बंदा 50 सोमानी जो ताजिकिस्तान की ऑफिशियल करेंसी है वो मांग रहा था, मुझे लोगों ने बताया था कि 10 से 20 सोमानी सिर्फ लगता है खुजान तक के लिए, जो कि यहाँ से बॉर्डर से 60 किलोमीटर होगा। बट ये काका थे, काका योर नेम, नेम नामा नामा मी अंश यू नूर नूर ओ नूर, तो नूर काका हैं जिन्होंने बोला ठीक है ये 11 से 12 किलोमीटर बॉस्टन करके कोई विलेज पड़ता है वहाँ तक जाएंगे, बोले कि वहाँ पे मैं ड्रॉप कर दूंगा, आप 10 सोमानी मुझे दे देना और वहाँ से फिर आप डायरेक्ट खुजान के लिए बस या कोई भी कार वगैरह वहाँ से टैक्सी वगैरह लेके जा सकते हो। अभी गाइस ताजिकिस्तान में टाइम हो रहा है लगभग 2 बजे, यानी इंडिया और जो ताजिकिस्तान का टाइम डिफरेंस है ना वो आधे घंटे का है, तो इंडिया भी आधे घंटे ताजिकिस्तान से आगे है, सिमिलर जैसे उज्बेकिस्तान कंट्री में हुआ करता था। यार गाइस मेरे पास कुछ उज्बेकिस्तान की लोकल करेंसी थी जिसको मैंने बॉर्डर पे ही एक दो एजेंट मिले तो मैंने वहीं पे कन्वर्ट करा लिया। ताजिकिस्तान की जो करेंसी है ना उसको ताजिक सोमानी बोलते हैं, और कैसे दिखती है ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ये है मेरे पास, देखिए 20 सोमानी की नोट, इस पे काफ़ी कलर वगैरह है और आई थिंक इनके कुछ नेशनल मॉन्यूमेंट क्वायर वगैरह कुछ आई थिंक इनका भी इसमें छपा हुआ है। तो नोट कुछ ऐसा है यार, ये सारी नोटें नई हैं। ताजिकिस्तान कंट्री गाइस पूरे सेंट्रल एशिया की सबसे गरीब देश में एक माना जाता है, फिर भी यहाँ की करेंसी काफ़ी स्ट्रांग है। आप सोचिए एक ताजिक सोमानी बराबर इंडिया का 7.5 रुपये, यानी 10 रुपये अगर ये काका मुझसे चार्ज कर रहे हैं 12 किलोमीटर के आसपास के लिए, तो लगभग ये 75 इंडियन रुपीज़ के बराबर हुआ। बाकी कंट्री में एंटर करते ही ये देखिए फार्मिंग वगैरह आई थिंक इनके यहाँ भी काफ़ी स्ट्रांग है, हर जगह हरा भरा दिख रहा है मुझे, पेड़ वगैरह काफ़ी है, ज़्यादा से ज़्यादातर इनके यहाँ पे भी खरबूजा तरबूज चेरीज बेरीज सेब इन्हीं सब की खेती मुझे दिख रही है, सारे पेड़ उसी के हैं गाइस।
तो यार गाइस हम पहुंच गए बोस्टन और ये काका के यहाँ से मैं निकाल लिया। काका को एक बार कर देता हूँ, काका रहमत शुक्राना शुक्राना। तो काका ने यार सिर्फ 10 सोमानी लिया हमसे और इन्होंने मुझे चेंज करके भी दे दिया। तो अब यहाँ से इन्होंने आई थिंक कोई छोटी सी मिनी वैन करके जाएगी यहाँ की टैक्सी, शेयरिंग टैक्सी, जो कि मुझे खुजान पे ले जाके ड्रॉप करेगी लगभग 1300 सोमानी ने। तो 1300 सोमानी का चेंज भी काका ने करके दे दिया हुआ। तो ये देखिए, मतलब दिक्कत क्या हो रही है कि फर्स्ट इंप्रेशन कंट्री का ये है कि मुझे लोकल लैंग्वेज आती नहीं और इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है ताजिक और रशियन लैंग्वेज यहाँ पे ये लोग बोलते हैं। बट अभी मैं कुछ ऐसे राउंड अबाउट पे आके उतरा हूँ जहाँ पे काका ने लाके मुझे ड्रॉप कर दिया है। तो कुछ ऐसा है गाइस फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट लुक इस ताजिकिस्तान कंट्री का, आप लोग खुद देख लीजिए। तो हमने इनको भाई 1300 ताजिक सोम दे दिया हुआ है। तो थक गया हूँ गाइस। तो काका ने तो काफ़ी मदद की अपनी, आप देखना। तो लोग यहाँ पे सब मुझे देख रहे हैं। तो जो फर्स्ट इंप्रेशन फर्स्ट लुक है इस कंट्री का वो ये कि लोग अच्छे हैं फिलहाल अभी तक जितने लोग मिले। सिर्फ बॉर्डर पे थोड़ी सी लूट खसोट है, यानी वहाँ पे 50 सोम से ज़्यादा कोई नीचे आने वाला नहीं है। कोई 50 कोई 40 मांग रहा था। एक्चुअल में देखा जाए तो बॉर्डर, इस ओएबेक बॉर्डर, जो बॉर्डर मैंने क्रॉस किया ना, उस ओएबेक बॉर्डर से लेके खुजान तक का जो डिस्टेंस है वो तो 68 से 70 किलोमीटर के आसपास है। और उसके लिए नॉर्मली जो लोकल लोग पे करते हैं 10 सोम, या बाहर के लोग अगर पे करेंगे तो 20 सोम। पूरा आई थिंक टैक्सी स्टैंड है यहाँ से दुसांबे के लिए और खुजान के लिए डायरेक्ट गाड़ियाँ वगैरह मिल जाएंगी। तो यार गाइस प्यास काफ़ी ज़्यादा लग रही है, डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो मेरे पास कुछ चेंज आ गया है तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इनके कुछ लोकल जो करेंसी है वो कॉइन वगैरह भी मुझे मिल गया। तो ये है आई थिंक इनका 300 सोम और ये है आई थिंक, ये तो यार तेंगे है, बाकी 100 सोम ये है और ये है 50 सोम 50 सोम। तो ये 50 पैसा 50 पैसा, ये 1 रुपया 1-3 रुपया कुछ ऐसा है हिसाब किताब। तो मैंने इनसे इनके यहाँ पे यार एक पानी की बॉटल ली। अब ये 1.5 लीटर का पानी, इसमें सियोमा इन्होंने लिखा हुआ है कुछ ऐसा। अब ये 5 ताजिक सोम का बता रहे हैं, यानी 1 सोम बराबर 7.5 रुपये। तो 7×5=35, 36 से 38 रुपये का ये 1.5 लीटर पानी यहाँ पे पड़ रहा है। नामा अंश, यू मोहम्मद इकबाल, ओ नाइस टू मीट यू, शुक्राना ब्रदर। तो ये मोहम्मद इकबाल हैं और इन्होंने जब 5 सोमानी मांगा ना तो इन्होंने बोला 5, तो यहाँ पे भी 5 को 5 बोलते हैं। तो कुछ ऐसे नंबर्स हैं और ऐसे अल्फ़ाबेट हैं और ऐसे न्यूमेरिक हैं जो काफ़ी मिलते जुलते हैं। आई थिंक ये सारा अरबिक वर्ड का हिसाब किताब है। बाकी कुछ ऐसा है नज़ारा। तो ये बड़ी सी दुकान है यार, मसाले वगैरह भी यहाँ पे इस तरह से ये लोग बेचते हैं। बाकी ये काफ़ी छोटा, वैसे ये एक सुपर मार्केट टाइप का है, आपको खाने पीने की चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी अगर कुछ खाना पीना है। वैसे मुझे भूख लगी हुई है, अगर मेरे लायक कुछ हो तो मैं सोच रहा हूँ लेने के लिए, बट ब्रेड तो मैंने लिया हुआ है और कॉफ़ी मेरे पास है तो मैं देखता हूँ। नूडल्स वगैरह है यार यहाँ पे, बट ये सारा एक्चुअली नॉनवेज है यार, इसमें वेज का कुछ है नहीं। तो इनकी जो करेंसी है ना यार वो है ताजिक सोम, ये लोग अपने लैंग्वेज में बोल रहे हैं। वैसे तो इसको ताजिक सोमानी बोला जाता है और ये लोग प्रोनाउंस कर रहे हैं सोम। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं SM से। और एक्चुअली इस करेंसी का नाम सोमोनी पड़ा कैसे तो मैं बता दूँ, ताजिकिस्तान कंट्री के जो फादर ऑफ नेशन है ना, इस्माइल सामानी जिनका नाम था, उनके नाम पे इस कंट्री की करेंसी पड़ी हुई है जो ये लोग यूज़ कर रहे हैं फ़िलहाल। और अभी यार दोपहर के 2 बज चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है फ़िलहाल, तो इस दुकान के बाहर मैं पानी पी रहा हूँ। और अभी भी अपनी गाड़ी आई थिंक भरी नहीं है, तो अभी काफ़ी पैसेंजर आना बाकी है, सिर्फ 3 से 4 लोग इसमें हैं। तो ये जब तक भरेगी नहीं, तो वही जैसे अफ्रीका के टाइम पे मैं आपको दिखाता था कि जब तक गाड़ी भरेगी नहीं तब तक ये लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं। तो लग रहा है सारे पैसेंजर आ गए हैं, तभी सब लोग फटाफट यहाँ से चढ़ना स्टार्ट कर दिए। तो होपफुली हमारी गाड़ी चल देगी गाइस। वालेकुम सलाम। तो गाड़ी अपनी भर गई फाइनली। तो आई थिंक आधा घंटा वेट करना पड़ा मुझे, 15 मिनट फिलहाल। तो गाइस वेलकम टू खुजान, और बिना सिम कार्ड और इंटरनेट के मैं फाइनली खुजान, जो कि ताजिकिस्तान कंट्री का 2nd लार्जेस्ट शहर है, वहां पे पहुंच चुका हूं। और ये है वहां का आई थिंक बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बॉर्डर पे तो सिम कार्ड मिला नहीं, और अब यहां से मुझे एक्चुअली सिटी सेंटर में जितने भी होटल हैं ना यार वो काफ़ी महंगे हैं। और एक हॉस्टल मैंने देखा booking.com पे, तो वो 8 से 9 किलोमीटर दूर दिखा रहा है। मैं लोकल लोगों से पूछने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये लोग बोल रहे हैं
कि ये 55 नंबर की जो मस रुकता है ना, ये आई थिंक जाएगी, तो मैं देखता हूँ। वो दूर है और सिटी सेंटर से ऑलमोस्ट 8 से 9 किलोमीटर पड़ेगा, तो 8 से 9 किलोमीटर के लिए मुझे ये गाड़ी यूज़ करनी पड़ेगी। ओह ओह, शुक्राना ब्रदर। तो देखिए, अब ये देखिए भाई साहब, मैं बैग भूल गया था भाई साहब की गाड़ी में, और ये भाई साहब, शुक्राना ब्रदर। अभी भी मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। ये देखिए, ताजिकिस्तान में पहले दिन ही इस तरह की हॉस्पिटैलिटी को मिलना लाजवाब है। तो ये भाई साहब जा रहे हैं, और अभी भी मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मेरा बैग वहाँ पे छूट गया था, और मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा। तो कई बार ये देखिए, वीडियो वगैरह बनाने के चक्कर में ये सब हो जाता है। तो मैं बात कर रहा था, मुझे याद था कि मैं बैग लूँगा, बट मैं बात करते करते यहाँ तक आ पहुँचा, इन लोगों से बात करने लगा, और वो भाई साहब वापस से लाके मेरा ये सूटकेस मुझे वापस देते हैं। अदरवाइज तो कहानी हिट। तो ये 55 नंबर की गाड़ी है जो कि आई थिंक सिटी सेंटर में जाने वाली है, और मैं इनसे पैसा पूछ लेता हूँ। ब्रदर, मी बोस्टन होटल, बोस्टन होटल, यू नो बोस्टन, बोस्टन बोस्टन होटल, मी देयर, मनी टू मनी मनी है ब्रो, टू टू। तो मैं इनसे पूछ रहा हूँ, तो कितना है? वैसे मुझे पता है कि 250 सोम ये लोग लेते हैं यहाँ से जहाँ एक्चुअली मुझे जाना है, और ये यहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस है गाइस, मस रुकता है जिसको ये लोग बोलते हैं। तो ये अफ्रीका में जैसे मैंने आपको दिखाया था, सिमिलर वो यहाँ पे है, और कुछ इस तरह की गाड़ी थी जिसमें मैं बैठ के आया हूँ। आउट स्कर्ट है ये सारा एरिया गाइस, सो ताजिकिस्तान कंट्री का जो कैपिटल है ना, वो गाइस दुशांबे है, और कुजान सेकेंड लार्जेस्ट सिटी बोला जाता है। तो दुशांबे मैं इसके बाद जाने वाला हूँ, अभी 1 से 2 दिन मैं यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करूँगा। तो ये है फर्स्ट इम्प्रेशन गाइस इस कुजान शहर का। बस स्टैंड कुछ उसी तरह है जैसे फ़िलहाल उज्बेकिस्तान के बस स्टैंड हुआ करते थे। तो गाइज, ये है अपना होटल बोस्टन, या होटल बुस्टन करके, जहाँ पे एक्चुअली मुझे बस वाले भाई साहब ने उतारा है। तो जो बस थी वही ये इस तरह की थी, बट मेरी जो बस का नंबर था ना, वो था 55, और इस होटल के बाहर का ये है नज़ारा। तो आई थिंक ये मेन हाईवे है, तो मैं पहले चलता हूँ यार, क्योंकि बाहर इतनी धूप है ना। तो देखते हैं, अब होटल तो काफ़ी बड़ा लग रहा है यार, होटल तो काफ़ी बड़ा लग रहा है, आलीशान है। अब कितना सस्ता कितना महंगा वो तो बाद में पता चलेगा, बट इसकी एंट्री कहाँ से है? हेलो, रिसेप्शन पे तो कोई है ही नहीं भाई। यहाँ पे ताशकंद की घड़ी, इस्तांबुल की घड़ी, बोस्टन, बीजिंग, मॉस्को, इंडिया की घड़ी नहीं होती है कभी भी, मतलब जहाँ भी जाओ इंडिया की घड़ी नहीं मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम, ताजिक, लोकल ताजिक, ताजिक नो, ओके तो नो मी 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 ओके। ये है बोस्टन हॉस्टल, जिसको बोस्टन बोलते हैं या बोस्टन बोलते हैं ये समझ नहीं आ रहा है। तो इसमें होटल भी है और हॉस्टल भी है। होटल तो काफ़ी बड़ा है, और जिस तरह से भाई डिज़ाइनिंग है आप देखिए, काफ़ी लाजवाब है। बट जो मोहतरमा है रिसेप्शन पे, उनको इंग्लिश नहीं आती, वो सिर्फ ताजिक बोल पाती हैं, और उन्होंने कैमरे में आने से मना कर दिया। तो मैंने बुकिंग की नहीं है, वो पूछ रही बुकिंग आपने किया क्या, मैंने बोला नहीं भाई, मैं रिकमेंडेशन पे आया हूँ। तो काफ़ी लोगों ने बोला था यार, अच्छा रीजनेबल प्राइस है यहाँ पे, और साफ़ सुथरा है। तो देखते हैं एक्चुअली रूम वगैरह का क्या हिसाब किताब है, और कितना ये मुझे चार्ज करने वाले हैं पर नाइट। तो गाइस, कुछ ऐसा है इस बोस्टन होटल का डोरमेट्री रूम, यानी हॉस्टल वाला हिस्सा, जो कि बेसमेंट में है एक्चुअली, और 4 बेड इन्होंने अलग अलग लगाया हुआ है, दो एक साइड आपको दिख रहा होगा। टीवी लगी हुई है, स्पेस तो काफ़ी कम है फिलहाल, अभी इस वक्त तो इस रूम में कोई नहीं, मैं अकेला हूँ। अगर कोई आता है तो ऑफकोर्स वो शेयर करने वाला है। तो बेड वगैरह तो ठीक ही है, मैंने ये किनारे वाला बेड लेने के लिए सोचा हुआ है, बट दिक्कत ये है भाई कि इनके लॉकर में ताले लगे हुए हैं, बट लॉकर काम कर नहीं रहा, तो मैं इसको बंद करने की कोशिश कर रहा हूँ, बंद हो नहीं रहा। बाकी इन्होंने ये पानी की बोतल तो मेरी है, ये 2-4 ग्लास रखे हुए हैं, पानी गर्म करने के लिए केतली दे दी है, फ़ोन है रिसेप्शन पे अगर किसी को कॉल करना है, LED TV लगा हुआ है, AC या एग्जॉस्ट ये मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है, तो मैं अभी पूछने की कोशिश करता हूँ, वरना तो दिक्कत होगी क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। और एक फ़ैन दिया हुआ है, साफ सुथरा है, स्मेल ठीक ठाक आ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 नाइट के लिए मैंने इनसे बुक किया, ऑन द स्पॉट आके मैंने बुक किया हुआ है। एवरेज प्राइस है वो 75 या 65 सोम के आसपास है, सोमानी यानी यार। तो मैंने उनको बोला तो कुछ कम करने के लिए, तो उन्होंने मुझे 50
सो मानी पर नाइट में ये एक बेड देने के लिए बोला हुआ, तो यानी 375 रुपये के आसपास हुआ। ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं है, सिर्फ रूम इसमें इंक्लूडेड है। अब किचन वगैरह मैंने पूछा है यूज़ करने के लिए, आई थिंक किचन यहाँ पे नहीं है जो आप एक्सेस कर सकते हो, तो शायद ये एक दिक्कत होगी, बट मैं अभी बात करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मुझे खाना पीना बनाने को मिल जाए। ये देखिए मेरा अपना देसी जुगाड़, तो मैं हमेशा से अपना एक्सटेंशन लेकर ट्रैवल करता हूँ गाइस, तो इसको मैं लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पे भी हर जगह 2 पिन ही काम करेगा, तो यहाँ पे भी आप देखिए अगर आपके पास एक्सटेंशन है तो ये 2 पिन अगर आप लगाते हैं तो ये काम कर जाएगा। तो ये देखिए, तो सॉकेट मोस्टली एडाप्टर आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं, वरना इस तरह से आप 2 पिन लेके आइएगा ताजिकिस्तान में आप यूज़ करोगे। अभी भी मेरे पास सिम कार्ड नहीं है, तो पहले मैं शावर लेता हूँ, नहाता हूँ, फिर बाहर निकलूँगा खाने पीने के लिए कुछ, और सिम कार्ड वगैरह का इंतज़ाम करता हूँ।